पंजाब में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम रद्द होना, उनकी सुरक्षा में चूक और 20 मिनट तक रुक कर वापस जाने को लेकर सियासी जंग छिड़ चुकी है। भाजपा इस घटना के बाद से पंजाब की कांग्रेस सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है। हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन एवं भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्षा रोजी मलिक आनंद ने भी पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब में इस घटना के बाद से लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये कांग्रेस की छोटी सोच को दर्शाता है। ये जनता के हितों के बारे में नहीं सोच सकते। पहले पंजाब को नशे में धकेला और अब पंजाब के विकास में बाधा बन रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन रोजी मलिक आनंद भी प्रधानमंत्री के पंजाब के फिरोजपुर कार्यक्रम में गई थी और पिछले कुछ दिन से तैयारियों में भाजपा नेताओं के साथ लगी हुई थी। वो लगता है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है और साथ ही ये एक किस्म से राष्ट्रहित की सोच ना होकर देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो हमेशा से अंग्रेज तो छोड़कर चले गए देश, लेकिन ये इसी प्रकार की गंदी और छोटी सोच जो इनकी मानसिकता है उसको लेकर ओछी राजनीति कर रहे हैं जो देश की उन्नति में बाधक है। और हम तो ये भी मांग करना चाहेंगे कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं उसमें राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि ये जो कांग्रेस सरकार है ये जनता के हितों का नहीं सोच सकती। ये पंजाब को पहले इन्होंने नशे के उस गेड़ में इन्होंने धकेला है और अब विकास में बाधा बन रहे हैं। का अपने सर्वप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी की तैयारियों को लेकर, रैली को लेकर इतनी कड़ी मेहनत कर रही थी, अगर आपके कानों में वो जू नहीं रहेंगी तो इसका मतलब आप लोग तो पंजाब में होते हुए भी कहीं और ही सरकारें चला रहे हो और ये बहुत शर्म की बात है, शेम ऑन यू। और आपको इसका जवाब जो है देना पड़ेगा। और साफ पता चल रहा है कि आप भाजपा की लोकप्रियता से, मोदी जी की लोकप्रियता से आप डर कर ये अच्छी ओछी हरकतें कर रहे हैं। राजनीति का मतलब ओछी राजनीति नहीं है। आप ये हथकंडे छोड़ दें जो देश की विरोधी हैं और अब इसका जवाब स्वयं आपको जनता देगी, क्योंकि आज देश में आपने लोकतंत्र की जो पंजाब में हत्या करी है, जनता तैयार है आपको इस बात का जवाब देने के लिए। और हम आपकी कड़ी निंदा करते हैं, पंजाब सरकार की, कांग्रेस की, पंजाब पुलिस के जो हाई ऑफिशियल्स हैं, हमें नहीं मालूम किसके दबाव के कारण उन्होंने ये जो असामाजिक तत्वों को किसानों का नाम देकर ये जो चीज की गई ये बिल्कुल गलत है। और हम मांग करते हैं कि इस वहां पर राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाए और तुरंत अगर कहीं थोड़ी बहुत चन्नी जी में अगर कांग्रेस का सीएम होने के नाते एक अच्छा राजनीतिक वो कहते हैं कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं, तो उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार हो, प्रदेश की सरकार, वो अपने देश की सर्वोच्च सरकार से ऊपर नहीं जा सकती। जो पंजाब में शर्मनाक षड्यंत्र साजिश रची है पंजाब सरकार की तरफ से, उसका जितनी हम भर्त्सना कर सकें इस शर्मनाक घटना की उतना ही कम है। देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रथम व्यक्ति वो आना चाहता है और जब वो आए तो उनके जो लीकेज की गई, सुरक्षा का चक्र जो तोड़ा गया, लीकेज की गई, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। पंजाब की जनता जो विकास चाहती है, शांति, सुख और समृद्धि चाहती है और जो वो विकास की ब्यार बहाना चाहते थे, सैटेलाइट पीजीआई का फिरोजपुर में नींव पत्थर रखना चाह रहे थे, लेकिन ये जो पंजाब सरकार है, कांग्रेस है, इसने आज सिद्ध कर दिया कि ये वाकई एक ऐसी सरकार है जो षड्यंत्र और साजिशें रचकर पंजाब की जनता का जो विकास में अवरोधक है, क्योंकि उनका आना और उनके जो रूट था उसकी लीकेज होना, हम पंजाब पुलिस की जो उनके हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी भी हम लोग उनके जो उन्होंने कार्य किया है बहुत ही घिनौना कार्य किया है और वो निंदा लायक है। और हम लोग तो यही चाहेंगे अपने गृह मंत्री जी से कि उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो उनके साथ हुआ है तो वो